साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। क्या टीम, क्या बात। शुक्रिया मदीलाल जी, जिसका हमें कपिल के मेहमान जो हमारे बहुजन समाज परिवार में अपना अपने साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी उनका सबका स्वागत करती है, वेलकम करती है। तो मैं हमारे बीच में गुल रफीक साहब जी हैं, MLA एंड स्टेट जनरल सेक्रेटरी। मैं उन बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, गुल रफीक साहब जिंदाबाद, गुल रफीक साहब जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और मैं उनका स्वागत करें और पार्टी में उनको स्थान दें और जोरदार नारे के साथ बाकी साथियों को कहूंगा कि उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। मैं डालकर उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। फूलमालाएं पहनाकर इनका स्वागत करें। इसके साथ श्री इरशाद अहमद जी, ये VDC चेयरमैन इरशाद अहमद जी का चेयरपर्सन साहब स्वागत करेंगे। कांगड़ा जी प्रीतम जी उनका फूलमाला पहन करके स्वागत करें। श्री प्रीतम चंद जी कर पार्टी में शामिल करें। श्री मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और फूल माला कर इनको पार्टी में शामिल करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती संतोष जी से कि वो फूल माला। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ आरिफ खान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और आरिफ खान का स्वागत करें, बनाकर उनको पार्टी में शामिल करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज गुल रफीक साहब और उनके ये तमाम जो सम्मानित साथी हैं, नाम अभी हमारे पूरी लिस्ट है, दे देंगे आपको। ये लोक जनशक्ति पार्टी के सभी लोग बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ स्टेट के नेता और उनके साथ साथ करीब 200 और लोग हैं जो सभी जिले स्तर पे और विधानसभा स्तर पे जिम्मेदार लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहे। वो आज सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में 4 बार CM रहीं बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में भरोसा करके, विश्वास करके आज इन लोगों ने बहन जी का हाथ पकड़ा है, बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। बहुजन समाज पार्टी इनका हार्दिक स्वागत करती है और ये उम्मीद करती है कि ये जो हमारे सभी जम्मू और कश्मीर के जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, ये अपने और साथियों के साथ बहुजन समाज की नीतियों को सबके बीच में ले जाके बहुजन समाज पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करेंगे और यहाँ मजबूत करके यहाँ भी सरकार बनाएंगे और जब लोकसभा का चुनाव आएगा
तो लोकसभा के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, इसमें काम करने के लिए आप लोग आज नीला झंडा और बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रख के पार्टी को ज्वाइन किया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, इन सभी का धन्यवाद करता हूं और बहन जी की तरफ से भी मैं इन लोगों का सबका आभार और धन्यवाद करता हूं। और सर, स्टेटहुड वापस लाने के लिए क्या पार्टी क्या प्रयास करें?